सो गाइस हम निकल चुके हैं अभी यहाँ से, प्रियंका बाबा कहते हैं उनको, अच्छा तुम जाना, फिर मिलेंगे। सो गाइस हम फाइनली मॉल रोड पहुँच गए हैं अभी हम। सो गाइस अच्छा गेट अप ये देखो, अच्छा गेट अप, कमेंट करके बताओ कैसे लग रहा हूँ। ओ अच्छा दिखाया था, ये लो अच्छा गेटअप है। सर नई लोकेशन के साथ आपको मैं बताऊंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और वो कौन सी लोकेशन है, और धीरे धीरे मैं उसके सारी वीडियोस बनाऊंगा। सो बने रहिए, ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, सामान सब पैक है और हम निकलते हैं और रास्ते में आपसे मिलते हैं। सो गाइस हम निकल चुके हैं अभी यहाँ से अपना दूसरे डेस्टिनेशन में। सो व्यू चेक कर लो एक बार। सो तुम रूम चेक कर ले एक बार अच्छे से पूरा, ठीक है ना। चलो बाय बाय कर दो, प्रियंका बाय बाय कर दो रूम को, अच्छा रूम था ना, फिर मिलेंगे। सो गाइस हम फाइनली मॉल रोड पहुंच गए हैं अभी हम, काफ़ी मशक्कत के बाद, और बहुत बारिश वारिश भी हो रही है। तो अभी हम फिलहाल अभी हमें मॉल रोड नहीं रुकना था, बट हम अभी यहाँ खाने के लिए कुछ आए हैं यहाँ पे। तो प्रियंका ने कहा कि यहाँ पे खाने को मिलेगा करके, मैंने कहा ठीक है इसका मन भी रख लेते हैं। तो हम अभी यहाँ पे आए हैं कुछ खाने के लिए, मोमोज वगैरह यहाँ के टेस्टी होते हैं। कहाँ पे है, कहाँ जाना है? नहीं। मालू? नीचे के देखते हैं। हाँ। ऊपर तो हिडंबा देवी टेंपल का रास्ता है ना। अच्छा खाने पीने का तो बढ़िया है यहाँ पे, लेकिन पार्किंग का समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे है। आगे वाले कट से पार्किंग लेना, पूछना इससे भैया, भैया मॉल रोड के लिए पार्किंग कहाँ लगानी है? पार्किंग थोड़ा नीचे लगा लो, मॉल रोड इधर है। हाँ ये तो पता है मुझे मॉल रोड का है, पार्किंग नीचे लगानी है, नीचे है, नीचे टर्न के साथ ही। अच्छा ठीक है, चलते हैं वापस, रास्ते में खा लेंगे कहीं ना, अभी तो टाइम नहीं है, हम लेट भी हो रहे हैं एक्चुअली, रात हो जाएगी नहीं तो। ऊपर स्नो फॉल बता रहे हैं बट लेट्स सी, हम वापस नहीं आ पाएंगे इस रोड से, क्या वापस नहीं आ पाएंगे इस रोड से? आते हुए थके हुए होंगे, क्या आएंगे तो क्या हो गया, खा के जाएंगे। चल ठीक है, ठीक है चलते हैं। चलो गाइस फिलहाल अभी प्लान कैंसिल हो गया कि बारिश बहुत तेज से हो रही है और ऊपर पूरा मौसम खराब है अभी, पूरा मौसम। तो इसलिए हम अभी निकलते हैं यहाँ से ताकि जल्दी पहुँच के हम होटल में चेक इन करें, वरना रात हो जाएगी और हम लेट हो जाएंगे काफ़ी। तो मॉल रोड अभी कैंसिल है, आप जब देखेंगे प्लान बनता है तो मॉल रोड का। यहाँ पे मनाली तो पूरा भरा रहता है गाइस, पूरा मनाली ऐसे भरा रहता है। तो महंगा हम आगे देख लेंगे खाने के लिए ना, हाँ। बीच में बहुत कुछ मिलता है। सो देखो यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे घर हैं, पर पहले पहले कितना खाली होता होगा यार ये जगह, मतलब आज देखो कितनी भरी हुई लग रही है ना, कितने लोग आते हैं यहाँ पे रहने के लिए, खाने पीने के लिए, घूमने के लिए, कितने भीड़ ही भीड़, बाइक यहाँ पहले कितना खाली होता होगा एरिया। सो गाइस हम तो अभी चल गए हैं चढ़ाई ऊपर चढ़ने, मनाली क्रॉस कर लिया। सो अभी यहाँ से ऑलमोस्ट हमारा 2 घंटे का रास्ता होगा, अभी 2 घंटे का। तो नीचे पूरा पानी भरा है, आइए अगर यहाँ बारिश हो रही है तो फिर मेरे ख्याल से फिर वहाँ स्नोफॉल ही हो रही है फिर ऊपर, तो इसीलिए हम देखते हैं ऊपर, देख रहे हो पूरा स्नोफॉल, वो देख पूरा स्नोफॉल है, देखो गाइस पूरा दिख रहा है आपको पहाड़, ऊपर बर्फ ढका हुआ है। सो ये है, अगर यहाँ बारिश है तो वहाँ स्नोफॉल है ही है। सो गाइस हमें फाइनली भूख लगी थी, अभी प्रियंका वहाँ मोमोज वगैरह वो सब अभी रेडी कर रही है, उसको बसों पसंद है। और आप चेक करो अब तक ये व्यू, क्या व्यू गाइस सी, मतलब अभी हमें जाना है वहाँ पे, बट कह तो रहे हैं कि रोहतांग अभी बंद है और अटल टनल अभी खुला हुआ है हमारे। ये इसको पीछे रख देता हूँ और इसको हम यहाँ रख देते हैं, चट्टी हाथ में रखते हैं। सो पहले टेस्ट प्रियंका करेगी, प्रियंका बताओ कैसा है खाने में, दिखा देना कि हमारा होटल बुक है और फिर वो आपको जाने देंगे। अच्छा ऐसा है तो ठीक है, मेरा तो बुक है ना।
ठीक है। सो ऐसे भी न्यूज़ मिलने को मिलती है, बताओ मतलब कैसे है मोमोज? मेमोज ऐसी होती है पहाड़ की, मेमोज प्यार एक पहाड़। कैसे हैं? अच्छे अच्छे। वैसे और भी टेस्ट करता हूँ मोमोज, गर्मा गर्म सॉस है वो मैं खाया है। बस ये लगा मजा आ गया। मजा आ गया, कुछ बोल जा रहा है, मजा आ गया। ये मत खा, ये खा। क्यों? वो कोई वो नहीं खाना सॉस है, वो ये मोमोज की चटनी है। मोमोज और ये व्यू। चलो भाई आपको मिलते हैं, जा रहे हैं ऊपर आगे। अभी आपको मैं देता रहूंगा अपडेट, ठीक है? तब तक के लिए बाय।